ऐसा क्या है कि आप मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे? मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था। उसी मीटिंग में जहां कल रात आप अपना ये कोड बुलाए थे? कोई तो होगा जो इन तस्वीरों में कैद लम्हों को बर्दाश्त न कर पाए, और वो कोई कोई भी हो सकता है। आपकी मामा, आपके ऑफिस के लोग, आपके दोस्त वगैरह वगैरह, या फिर तंजीला। अब देखिए ना, सबको पता हो और तंजीला बेखबर रहे, ऐसा हो नहीं सकता। अब फैसला आपको करना है। आतिश, अब तो आपको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। अपनी इज्जत, अपने वकार, अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए। तंजीला बाजी, चूल्हा बंद कर दें। तंजीला बाजी, आप रो रही हैं। ये सब क्या है? आतिर, ये सब क्या है? ये तस्वीरें? मैं खुद नहीं जानता यार उस्मान, ये सब कुछ क्या? उस्मान, उस्मान मेरा यकीन करिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। न जाने कब कैसे मैं अपने होश खो बैठा। समझ नहीं आ रही सब कुछ कैसे हो गया। इतनी बड़ी गलती मेरे से कैसे हो गई? कैसे हो गई मेरे से? आतिर, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते। ये यकीन है नानिया की चाल है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? मैं उसकी बर्थडे पर गया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू।
तुमने वो जूस पिया तो मैं बेहोश हो गई। उसके बाद जब मैं सोकर उठा तो मैं उसके बेड पे था। तो इसका मतलब है तंजीला भाभी वाला वार उसने अब तुम पे किया है। क्या मतलब? देखो आतिर, पहले उसने तंजीला भाभी और फैसल की ऐसी ही कुछ तस्वीरों से तुम्हें बदगुमान करने की कोशिश की थी, और अब यही वार उसने तुम पर किया है। तुम्हारी इन तस्वीर से वो भाभी को बदगुमान करके तुम्हारे खिलाफ करना चाहती है। मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि इस पे एतबार किया जा ही नहीं सकता, लेकिन तुमने तो मेरी बात ही नहीं मानी ना। बल्कि मैंने तुम्हें उसकी बर्थडे पे जाने से भी मना किया था। इसी बात का तो पछतावा है। काश काश मैंने तेरी बात मान ली। मैं ना जाता वहां, ना मैं वहां जाता, ना ही सब कुछ होता। समझ नहीं आ रही तंजीला के सामने मैं कैसे जाऊंगा, कैसे फेस करूंगा मैं तंजीला को, उसका सामना कैसे करूंगा मैं? तंजीला भाभी इस सब के बारे में जानती है। मेरा कोट जो मैं जल्दी में उसके घर भूल आया था, उसने वो कोट तंजीला को भिजवा दिया। और इस बात को लेकर तंजीला ने मुझसे सवाल किए जिनके जवाब नहीं थे मेरे पास। क्या करता? सुमान, मैं जाकर भी अपनी सफाई नहीं पेश कर पाया, क्योंकि मुझे मुंह में रिश्तों की बुनियाद तो भरोसे और एतबार पर होती है। मैंने अपने ही हाथों से अपने रिश्ते को परवान चढ़ने से पहले कत्ल कर दिया। आतिर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मियां बीबी का जो रिश्ता होता है वह एतमाद का होता है। तुम जाओ भाभी के पास, उन्हें जाकर खुद इस सब के बारे में बताओ कि कैसे तुम्हें इस सारे मामले में ट्रैप किया गया है। मुझे पूरी तरह यकीन है वो इस मामले को समझते हुए तुम्हारा पूरा साथ देगी। और रही बात इन तस्वीरों की, तो हानि ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि इसमें तुम्हारे साथ साथ उसकी अपनी इज्जत भी दांव पर लगी हुई है। शायद तुम ठीक कह रहे। करता हूं मैं बात तंजीला से। क्या आपने तंजीला को रोते हुए देखा और आपको मेड ने बताया कि वो काफी परेशान है? हाँ, तो इसमें आपके परेशान होने वाली कौन सी बात है? बेवकूफ, समझने की कोशिश करो। तंजीला परेशान है इसका मतलब है उसका आतिर से जरूर झगड़ा हुआ है, जो हमें फायदा दे सकता है। बस अब पता ये लगाना है कि इस झगड़े की वजह क्या है। मामा, इसने पता लगाने वाली कौन सी बात है? जाहिर है मेरी वजह से ही हुआ होगा। भूल गई आप उसने लास्ट बार मेरे साथ क्या किया था? नहीं, इस दफा इनके आपस की झगड़े की वजह तुम नहीं, कोई और ही है। कोई और कौन हो सकता है मामा? यही तो मालूम करना है। तंजीला की दुश्मन एक ही है और वो थी नौरीन, जो इस वक्त तो जेल में है। अब मालूम ये करना है कि ये दूसरा कौन है। तुम बस आते जाते उसके कमरे पे नजर रखो, खास तौर पर जब आतिर वहां हो। कुछ ना कुछ तो खबर मिल ही जाएगी।
मैं सोच भी नहीं सकती थी किरण। क्या आतिर, आतिर मेरे साथ ऐसा करेंगे? जिस शख्स ने जिंदगी भर मेरा साथ दिया, कदम कदम पर मेरे साथ चलने की कसमें खाई, जिंदगी भर साथ निभाने के वादे किए, वो शख्स मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? यही तो तुम समझने की कोशिश करो तंजीला। तुम खुद ही सोचो, आतिर भाई भला ऐसा क्यों करेंगे जब वो पहले ही उसे ठुकरा कर तुम्हें अपना चुके हैं। लेकिन वो कोट, वो खुशबू, उसे कैसे भूल जाओ? कैसे नजरअंदाज कर दूं करण? औरत शौहर की हर ज्यादती बर्दाश्त कर सकती, लेकिन अपनी जिंदगी में दूसरी औरत का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो सब तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती मियां और बीवी के दरमियान आने की कोशिश करे तो? औरत को अपनी आंखें और जहन खोल कर सोचना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम आतिर भाई से बात करो। मुझे लगता है कि ये आनिया की ही चाल है। जिस मोहब्बत के लिए किसी शख्स ने इतना इंतजार किया हो, इतनी तकलीफ सही हो, वो शख्स ऐसे कैसे कर सकता है? अल्लाह करे ऐसे ही हो, लेकिन अगर हकीकत वो हुई जो मैं सोच रही हूँ, तो मैं आतिर को कभी माफ नहीं करूंगी। देखो तंजीला, कभी कभी इंसान हकीकत के पीछे छुपी सच्चाई को देख नहीं पाता और वो अनजाने में गलत फैसले कर बैठता है। तुम ऐसी कोई गलती मत करना। हो सकता है कि तुम जो सोच रही हो वो हकीकत हो, मगर उससे जुड़ी सच्चाई कुछ और हो और उससे पर्दा उठने पर तुम्हें पछतावा हो। तुम्हें पता है ना, वो पहले भी तुम दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करती रही है। और तंजीला, ये सब सोचकर तुम उसे उसकी कोशिशों में कामयाब कर रही हो, और वो तो चाहती यही है तुम्हारी आतिर भाई से बदगुमानी। भले इस हकीकत की सच्चाई कुछ और हो किरण, मगर सवाल तो ये है कि ऐसी सच्चाई की नौबत आई ही क्यों? जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो आतिर को आनिया से मिलने की कि उससे कोई भी ताल्लुक रखने की जरूरत ही क्या है? इसका जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। क्योंकि कोर्ट खुद चलकर तो आनिया के पास नहीं जा सकता। कह तो तुम ठीक रही हो, और इस बात का जवाब तो तुम्हें आतिर भाई ही दे सकते हैं। तुम उनसे बात करो। शायद तुम ठीक कह रही हो। अभी मैं फोन रखती हूँ, फिर बात करूंगी तुमसे। अल्लाह हाफिज़। खुदा क्या आपने आतिर से? क्यों? ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में जो आपने मेरा भरोसा, मेरा मान सब तोड़ दिया? इससे पहले कि आनिया इन तस्वीरों को लेकर तंजीला के दिल में मजीद कोई शक पैदा करे, मुझे तंजीला को सब कुछ खुद बताना होगा। उसे सारी हकीकत बतानी होगी कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने उसके साथ कोई धोखा नहीं किया।
अपनी मोहब्बत में कोई खयानत नहीं की, नहीं की। हिलने नहीं, चला होशियारी करने की जरूरत नहीं है, चल सीधा चलो। उस्मान, आते सारी रात घर नहीं आए, उनका नंबर भी ऑफ जा रहा है, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि वो कहाँ हैं? क्या आते रात भर घर नहीं आया? लेकिन भाभी वो तो मेरे सामने घर के लिए निकला था, कहाँ जा सकता है? कहीं आनिया के पास? अरे नहीं भाभी, ये तो सब एक फ्रेम और झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट इस मामले में मेरी आतिर से कल पूरी डिटेल से बात हुई थी, वो तो आपको रात को बताकर एतमाद में लेना भी चाह रहा था ताकि इस मसले का कोई हल निकाला जा सके। खैर आप परेशान मत हो, मैं पता करता हूँ कहाँ। तंजीला, आतिर कहाँ है? अरे जवाब तो दो, इतनी परेशान क्यों हो? आंटी, आतिर रात से घर नहीं आए। What? आतिर घर नहीं आया और तुम ये बात मुझे अब बता रही हो? तुमने कॉल की उसे? आंटी कल रात से उन्हें कॉल कर रही हूँ लेकिन उनका नंबर ऑफ जा रहा है। सारी रात उनका इंतजार करती रही कि शायद वो आ जाए। आपको इसलिए नहीं बताया कि आप परेशान हो जाएंगी? तो क्या मैं अब परेशान नहीं हो रही? अभी तो परेशान हो रही हूँ। उस्मान को फोन करो, उससे पूछो, उसे पता होगा आतिर कहाँ। सब कर चुकी हूँ आंटी, उस्मान से बात हुई थी, वो कह रहा था कि आतिर उसके सामने कल रात घर के लिए निकले हैं। क्या, लेकिन कहाँ जा सकता है वो? अल्लाह मेरा बच्चा, मेहमान मेरा ना। शगुफ्ता तुम परेशान मत हो, आतिर बच्चा नहीं है, उसे कुछ नहीं होगा, किसी दोस्त के घर चला गया होगा। इस उम्र में लड़के बहुत इरिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे परेशान ना हो, पापा मेरी इकलौती औलाद है, वो मेरी जिंदगी है, मेरी जान है। शोर को तो खो चुकी, अब अपनी औलाद को खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। हमाद, तुम आ गए? कहाँ है मेरा आतिर? कुछ पता चला? बोलो ना, बोलो, जवाब दो, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। खाला, पुलिस को आतिर की सिर्फ गाड़ी मिली है। आतिर, संभालिए अपने आप को।